पाकिस्तान और भारत की कोशिश, और हम काउंटडाउन लगाते हैं 15 मिनट में मदनी हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे, ये काउंटडाउन हम लगाते हैं और ये शास्त्रार्थ पूरा भारत देखेगा टाइम्स ऑफ भारत पर। नहीं, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, मैंने तो खुला आम निमंत्रण देके आया हूँ ना, मुझे क्या आपत्ति होगी। लेकिन हाँ, मेरा टाइम टेबल शेड्यूल कुछ बिजी है, इसलिए मैं आपसे ये वादा नहीं करूंगा कि अगले एक घंटे में मैं बैठ पाऊंगा। और आप मेरी गले की आवाज से भी आप भी शायद कुछ न कुछ बात पकड़ पा रहे होंगे, ऐसे के अंदर वो समय क्या होगा वो तो मिल बैठ कर। टाइम बिजी हो गया, गले की आवाज खराब हो गई, ये अभी शुरू हो गया। इसके लिए ऐसे मौके पर के लिए तो मैंने एक मुफ्ती साहब की वीडियो बना रखी है पहले से, देखिए ये सुनिए। आपसे ना हो पाएगा, आप छोड़ दें, और अगर आपको इतना ही शौक है तो करके देख लें। ये मीम्स ऐसे मौके पर आकर फिट हो जाती है, आपसे नहीं हो पाएगा, अगर आपको इतना ही शौक है तो करके देख ले आप। अभी तो सिर्फ पूछा था कि भाई एक घंटे बाद आ रहे हैं, अभी आया थोड़ी ना, बैठे थोड़ी ना, तभी आप बोलने लग गए कि नहीं नहीं मेरी गले में खराबी है, ये है वो है। आगे भी देखिए, मुकेश मुनी साहब का इतना चल रहा है, इतना हो गया, हमने इतनी स्ट्रीम भी कर दी उसके ऊपर, उसके बाद भी उनके तेवर में कमी आई थी, लेकिन अभी ये पता चला कि जब उनको ये कहा गया कि आप लाइव स्ट्रीम में ही थोड़ा सब्र कीजिए, जिनको आपने चैलेंज किया था वो बस आपकी इस स्ट्रीम के अंदर और आपकी इस लाइव के अंदर आ रहे हैं आपके 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, एक घंटे बाद, तो अब इनको खुश होना चाहिए कि मैंने भरे मजमे के अंदर चैलेंज किया था। जब चैलेंज किया था तो उंगली तो आपके ऊपर थी इस तरीके से, और आपकी आंखें बड़ी तेवर में चढ़ी हुई थी, और आप कह रहे थे कि बस मैं चैलेंज करता हूँ, फुला तारीख को या फुला जगह पर आ जाए, मैं उसके लिए मुनासरे के लिए तैयार हूँ। उसके बाद धीरे धीरे हमने वीडियोस आपके सामने दिखाई, पेश भी किए, जब यहाँ से चैलेंज किया और कहा गया कि आपका जो दावा है वो बिल्कुल बेसरोपा है, आप अपने दावे के अंदर खोखले हैं, जब आपके सामने इशारे किए गए, आपको ट्वीट की गई, और ट्वीट करके जिसके ट्वीट के कई व्यूवर्स और लाखों के अंदर लोगों ने उसको सुना, उनके शागिर्दों ने आपको चैलेंज दिया, आपके तेवर बदलते रहे, फिर आप माफ़ी मांगने लगे कि मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो गुज़िश्ता स्ट्रीम के अंदर पिछली मरतबा हम तमाम ने कहा था कि आपने जो माफ़ी मांगी अपने रवैये से मांग लीजिए, लेकिन जिन बातों का आपने इनकार किया है तो उनसे आप भाग नहीं सकते, क्योंकि आपने ये गट से दिखाई है, आपने ये कहा है कि ये सब फालतू बातें हैं, तो फिर आपको ये साबित करना पड़ेगा कि फालतू बातें हैं, सिर्फ फालतू बोल देने से फालतू नहीं हो जाती। और आजकल की नई खबरें जो मैं आपके सामने आप पेश करने वाला हूं कि हमने कहा कि लाइव स्ट्रीम के अंदर आ जाइए, हम लिंक को पब्लिक करते हैं, आपके लिए आसान है, आप चैलेंज खाली दे रहे हैं, चैलेंज कबूल भी तो करिए, एक्सेप्ट भी तो कीजिए, लेकिन पता ये चला कि गट से आपके अंदर नहीं है। तो हमारे सनातन भाइयों, हिंदू भाइयों, और जितने इनके चेले चपाटे हैं और जितने इनके भक्त हैं, वो सब कान खोल के सुन ले कि क्या इनके अंदर हिम्मत है, इनकी हिम्मत का लेवल क्या है, चैलेंज करने के बाद भागने का लेवल क्या है, या चैलेंज को एक्सेप्ट करने का लेवल क्या है। ये इस्लाम ही के अंदर दमखम है, अल्हम्दुलिल्लाह हम तालिब इल्मों के अंदर ही के बोल रहे हैं हम कि आइए आपका चैलेंज हमें कबूल है, अच्छे से बात करेंगे। आप लाइव स्ट्रीम में मौजूद है लोकेश मुनी साहब, और आपसे कहा जा रहा है कि बस 10-15 मिनट के बाद मोहन अरशद मदनी साहब आने वाले हैं, तो आप आए बाएं शाये करने लगे, और आप कहने लगे कि नहीं बस मैं वक्त होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ ये बोल दूँ तो काफी है इतना, लेकिन ये वीडियो मैंने निकाली है, मैं आपके सामने चलाऊंगा वो, आप लोग वीडियो देखिए और सुनिए, अब अंदाजा लगाइए कि एंकर उसको पूछ रहा है बार बार लोकेश साहब, क्योंकि मैं बस अभी बुला देता हूँ मोहन अरशद मदनी को, आप यहीं रुकिए, टाइम्स नाउ भारत बहुत मशहूर है, आप रुकिए मैं बुला देता हूँ। इसको कहना चाहिए हाँ बुला तो क्या है, मेरे सवाल थे, जवाब तो मोहन अरशद मदनी को देना है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जवाब इसको देना है, जवाब तो देना है आपको, और यहाँ से आपकी चोरी पकड़ी जाती है। तो इसके बाद इनके जितने भी चेले चपाटे हैं वो अगर चैलेंज कर रहे हैं कि हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, आपको चैलेंज कर रहे हैं, पहले अपने गुरु का तो हाल देख लें, आपके गुरु का क्या हाल है, उसके बाद फिर आपको मैं बताता हूँ आपके गुरु का क्या हाल हुआ है और आप लोगों का क्या हाल हुआ है। सबसे पहले तो आपके लिए क्लिप मुफ्ती साहब की छोटी सी, उसके बाद मैं इब्तिदा करता हूँ दिखाना। फिर कहता हूँ भक्तो जागो, आपके लिए पैगाम है भक्तो जागो, आप अगर सोएंगे तो सोने से क्या हो जाएगा, आपको सिर्फ खुशफहमी में मुबतला होंगे आप, जागो आप पहले। अब आपके सामने एक वीडियो चलाता हूँ, वीडियो चलाऊंगा उसको सुनिएगा, आप पस मंजर देखिए क्या हश्र हुआ है, क्या हाल हुआ है, यानी वह हाल हुआ है कि अगर मैं सिर्फ उसको बयान कर दूं तो काफी था। आप मत बोलिए कि क्या हमारे हीरो हैं, हमारे फुला हैं, हम इनको ये मानते हैं वो मानते हैं, जब इनके सामने खुला चैलेंज रखा गया, मौका दिया गया कि आए और अपनी बात को पेश करें, या फिर रुक जाइए थोड़ी देर के लिए। अब वीडियो सुनिए लोकेश मुनी साहब की, ये टाइम्स नाउ
भारत के ऊपर जो है, नव भारत के ऊपर ये वीडियो मौजूद है, लेकिन डाउनलोड करने का मौका नहीं मिला तो मैं डायरेक्टली चला रहा हूँ इसको। सुनेंगे आप, सुनिए, वो अंदाजा लगाइए कि क्या आलम है इनका भागने का। ये देखें, नफरत नहीं है और भला, बहुत अच्छी बात आपने कही कि आपके मन में किसी के प्रति नफरत नहीं है। आपने मदनी साहब को, मौलाना मदनी को आपने निमंत्रण दिया, अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन अगर टाइम्स नाउ द भारत पर अगले एक घंटे में मौलाना मदनी आते हैं तो आप आमने सामने का शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार है? ये एंकर कह रहा है कि एक घंटे के अंदर मौलाना अरशद मदनी यहाँ आने वाले हैं। आपने जो चैलेंज दिया था, जो है मुंह खोल कर कहा था कि बस मैं चैलेंज दे रहा हूँ, मैं मुनासरे के लिए तैयार हूँ, तो क्या आप अब तैयार हैं? फिर एंकर ने बहुत अच्छी तरीके से गुफ्तगू की और बात भी रखी कि बस आपके ऊपर पूरी उम्मीदें हैं सब हिंदुओं की, सब सनातनों की, आप तो बहुत बड़े उनके गुरु बन गए हैं। इतना सब उसको कहा, उसके बावजूद भी तैयार नहीं हुआ। ये देखिए, ये हंस रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुस्लिम एंकर नहीं है, वो एंकर भी उसी की तरह है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या इनका हाल होता है अपने चैनल पर, देखें इसको। नहीं, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, मैंने तो खुला आम निमंत्रण देके आया हूँ ना, मुझे क्या आपत्ति होगी। लेकिन हाँ, मेरा टाइम टेबल शेड्यूल कुछ बिजी है, इसलिए मैं आपसे ये वादा नहीं करूंगा कि अगले एक घंटे में मैं बैठ पाऊंगा। और आप मेरी गले की आवाज से भी, आप भी शायद कुछ न कुछ बात पकड़ पा रहे होंगे ऐसे के अंदर, वो समय क्या होगा वो तो मिल बैठ कर। टाइम बिजी हो गया, गले की आवाज खराब हो गई, ये अभी शुरू हो गया। इसके लिए ऐसे मौके पर के लिए तो मैंने एक मुफ्ती साहब की वीडियो बना रखी है पहले से, देखिए ये सुनिए। आपसे ना हो पाएगा, आप छोड़ दें, और अगर आपको इतना ही शौक है तो करके देख लें। ये मीम्स ऐसे मौके पर आकर फिट हो जाती है, आपसे नहीं हो पाएगा। अगर आपको इतना ही शौक है तो करके देख ले आप। अभी तो सिर्फ पूछा था कि भाई एक घंटे बाद आ रहे हैं, अभी आया थोड़ी ना, बैठे थोड़ी ना, तभी आप बोलने लग गए कि नहीं नहीं मेरी गले में खराबी है, ये है वो है। आगे भी देखिए, लोकेश भाई, लेकिन पूरे देश की नजर इस वक्त आप पर है, पूरा देश इस वक्त आपसे उम्मीद करता है, क्योंकि जिस तरह से मंच से आपने विरोध किया, पूरा देश आपको नजर बिठाए बैठा है। मैं बिल्कुल तैयार हूँ वार्ता के लिए, तो मैं बिल्कुल नजरें दिखाए बैठा है, देश की नजरें मेरे सर माथे है, देश है तो हम है, हमारी कोई औकात नहीं है, तो बस हम देश के लिए। डॉक्टर लोकेश मुनी जी, उसका बहुत हमारे पेरेंट है। फिर देश के लिए, भारत के लिए टाइम्स नाउ भारत पर थोड़ा सा वक्त निकालिए, अगर मौलाना मदनी आते हैं तो सब सामने, सब स्पष्ट होगा, पूरा देश देखेगा। आवाज बंद। मैं मना ही नहीं कर रहा, मैं तो ये कह ही रहा हूँ, मैं तो निमंत्रण देके आया हूँ, लेकिन मेरा जो पहले से पूर्व निर्धारित जो भी चीजें हैं वो भी देश के लिए ही है। तो ऐसे के अंदर समय मिल बैठ के तय किया जा सकता है, लेकिन मैं अभी से फिर से कह रहा हूँ, लोकेश मुनि जी, आपने जो शास्त्रार्थ की बात की है तो लोगों के अंदर जिज्ञासा उत्सुकता आ गई है, और वो ये सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि जो शास्त्रार्थ रामलीला मैदान में ना हुआ वो टाइम्स नाउ भारत के मंच पर हो जाए आमने सामने। ये पूरे देश को उम्मीद है, जागरूक मतलब उत्सुकता है, जिज्ञासा है। आप देखिएगा, खामोशी देखिए इनकी, आवाज ही बंद हो गई भाई साहब की। तो नहीं, उस जिज्ञासा के लिए मैं तो स्वयं चला के कह के आया हूँ, और मैंने कुछ वहां पर भी स्पष्ट किया, मैंने सारा इतिहास बताया, मैंने कहा भला कौन नहीं जानता, भगवान महावीर 2600 वर्ष पूर्व हुए हैं, अरिष्ट नेमी योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई, पहले तीर्थंकर की बात करूं तो ऋषभ जिनके पुत्र भरत बाहुबली पुत्री ब्राह्मण सुंदरी, कौन इतिहास नहीं जानता। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात, आपकी बात पूरे देश तक पहुंचे, भारत तक पहुंचे, यही ना भारत की कोशिश है, यही टाइम्स ऑफ भारत की कोशिश है। और हम काउंटडाउन लगाते हैं, 15 मिनट में मदनी हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे, काउंटडाउन हम लगाते हैं, और ये शास्त्रार्थ पूरा भारत देखेगा टाइम्स ऑफ भारत पर, 15 मिनट में आने वाले हैं। हम चाहते हैं कि आप वक्त निकालें। मैं नौ बार टाइम्स नाउ की कोशिशों का स्वागत करता हूँ, लेकिन ये मैं अवश्य कहूंगा, मेरे टाइम टेबल जिनके साथ मेरे कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट और मेरी अपनी गले की स्थिति के साथ, हाँ दोनों ओर से एक टाइम तय हो जाएगा। मैं बिल्कुल उनसे बड़े अदब के साथ, बड़े प्यार के साथ, बड़े आदर सम्मान के साथ मैं इस मुद्दे पर, ठीक है डॉक्टर लोकेश मुनि जी, हम समझते हैं कि आपकी व्यस्तता बहुत ज्यादा है, डॉक्टर लोकेश मुनि जी, हम समझते हैं कि आपकी व्यस्तता बहुत ज्यादा है, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन करोड़ों जो भारतवासियों की जो उम्मीद है वो टाइम का भारत पर हम उम्मीद करते हैं कि वो पूरी भी हो जाए, और अगर आप वक्त नहीं निकाल पाए तो आपके सवालों का
सामना करवाएंगे सीधे मौलाना मदनी से। बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे। इसके ऊपर तो मैं आसिम इफ्तिखार साहब का कमेंट लेना चाहूंगा। आसिम भाई ये क्या हो रहा था, यानी मौलाना 10-15 मिनट के बाद आ ही जाते, ये रुक जाते, बात हो जाती अच्छी खासी, तो इसके ऊपर आप कोई कमेंट देना चाहेंगे कि क्या चल रहा है, यानी इनकी नियत है भी कि नहीं, या फिर ये बस खाली चैलेंज ही कर रहे हैं, कबूल नहीं करना है? मुझसे अब देखें जो बाद में जो डेवलपमेंट हुए हैं ये सारे, उससे तो साफ पता चलता है कि बस बोलने को तो इन्होंने बोल दिया है और वाकईतन जो है ये कोई बात करना नहीं चाहते या कोई डिबेट या डिस्कशन इस तरह की बातें करना नहीं चाहते। उसकी भी देखें उसकी वजूहात भी है कि उसकी वजूहात कई सारी हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि हमारे पब्लिक स्फेयर में आम तौर पे रिलीजन हो, पॉलिटिक्स हो, खासकर इन दो चीज़ों को लेकर के एक रेटोरिक बनाया जाता है। मतलब कह लें कि ऐसी बातें कही जाती है जिसके अंदर गहराई नहीं होती, लेकिन वो बातें जो है बस बातें होती हैं जो आपके जज्बात को हिट करती है, तो एक इस तरह के रेटोरिक्स क्रिएट करते हैं और फिर उसको जो है इस्तेमाल किया जाता है अपने मकसद के लिए। तो ये भी जो लोकेश मुनि साहब ने किया है वो जस्ट एक रेटोरिक है, उसके अंदर कोई समझे इल्मी गहराई नहीं है या वो खुद उस चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं जिस चीज़ की वो बात कर रहे हैं। क्योंकि देखें उसकी कई सारी दलीलें हैं जो मैं पेश करना चाहूँगा। एक तो ये है कि खुद जिस समझें कि परंपरा की या जिस रिवायत की वो बात कर रहे हैं, उस रिवायत के अंदर इतने इंटरप्रिटेशंस हैं, इतने अलग अलग ख्यालात हैं कि आप एक ख्याल को लेंगे तो 10 ख्याल जो है छूट जाएंगे, आप 10 को लेंगे तो 15 छूट जाएंगे, तो इस तरह का मामला है। तो आप कितने को समेटेंगे, किस चीज़ पे बात करेंगे, किस चीज़ पे बात नहीं करेंगे, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि जिस रिवायत की वो बात कर रहे हैं वो खुद इस बात के दाई हैं, वो सब के सब के आप हिंदुइज्म की बात करें, बौद्धिज्म में एक हद तक, ठीक है, जो खासकर न्यू बौद्धिज्म है उसको ले लें आप, तो ये सब कहते हैं कि वी आर ओपन टू बी इंटरप्रेटेड, यानी कि हम जो है वो नई तशरीह के लिए खुले हुए हैं, यानी कि हमारी जो किताबें हैं उसकी तशरीह जो है वो बिल्कुल नए सिरे से हर एक इंडिविजुअल यानी हर कारी जो है, हर पढ़ने वाला जो है वो उसको अपने तई जो है उसकी तशरीह कर सकता है। तो जब आप ये इख्तियार हर कारी को देंगे, हर रीडर को देंगे कि वो उस टेक्स्ट का अपने एतबार से इंटरप्रेट करे, तो फिर आप ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि मैं आपके इस इंटरप्रिटेशन से एग्री नहीं करता हूँ। आप ये नहीं कह सकते कि हम आपके इस इंटरप्रिटेशन को गलत समझते हैं, क्योंकि आपने उसको खुद ही हक दिया है कि वो जो है वो अपने मनचाहे एतबार से उसको इंटरप्रेट करे। तो ये एक समझें कि आयरनी कह लें या इसको एक तरीके से तजाद कह लें, पैराडॉक्स कह लें, जो भी कह लें, एक तरफ आप ये कहते हैं कि हम जो है वो ओपन टू इंटरप्रेट हैं, जो भी चाहे वो अपने एतबार से रीडर जो है उसको इंटरप्रेट कर दे, फिर दूसरी तरफ कोई रीडर जो है उसको अपने हिसाब से जब इंटरप्रेट करता है तो फिर बाद में आप कहते हैं नहीं नहीं तुम गलत इंटरप्रेट कर रहे हो। तो ये या तो आप माने कि नहीं हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, हमारी जो चीज़ें हैं, अगर वाकईतन है तो उसकी बुनियाद पे ही चीज़ों को जो है इंटरप्रेट किया जाएगा, ठीक है। अगर कोई ऐसा सिद्धांत या कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं और वो प्रिंसिपल्स कहाँ से आए हैं, वो कितने वैलिड हैं, वो सब चीज़ें वो एक फिर दूसरा डिबेट होगा। तो दोनों में से कोई एक, जैसे कि मुसलमानों को लें, हम इस्लाम की रिवायत को लें, तो वो ये कहते हैं कि नहीं हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, जो उसूल हैं, वो यानी कि मुतय्यन कर दिए गए हैं कुरान की तफसीर या हदीस की तफसीर या उसकी जो तशरीहात हैं उसके उसूल और जवाबित जो है वो बता दिए गए हैं, उसकी तफसीर भी आ गई है। अब अगर कोई ऐसी नई तफसीर लेकर आता है जिससे हमारी उसूल और बुनियाद जो कि एस्टैब्लिश्ड उसूल और बुनियाद है उसकी नफी होती है, उसको निगेट करता है कोई भी ऐसी तफसीर, तो उस तफसीर को नहीं मानी जाएगी, उस तशरी को नहीं मानी जाएगी। तो हम ये नहीं कहते कि कुरान है या हदीस है वो कोई भी ऐरा गैरा आए और जो भी पढ़े और उसको अपनी तरफ से इंटरप्रेट कर दे, हम इस चीज़ को अलाउ नहीं करते। तो इसलिए हम ये हक रखते हैं कि हम जो है वो दलील की बुनियाद पे किसी को कहें कि तुमने जो है गलत इंटरप्रेट किया, ये कहते भी हैं कि तुमने गलत इंटरप्रेट किया है, गलत समझा है, ये ऐसा नहीं है, मैं चैलेंज करता हूँ वगैरह वगैरह, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि भाई
जिसको जो मन में आए पढ़े और इसको इंटरप्रेट करे। तो ये एक पैराडॉक्स है, या तो दोनों में से किसी एक बात सही होगी, पहली या दूसरी। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि जो इस ये स्टैंड लेगा फिर वो आएगा और बात करना चाहेगा। ये सही है, बहुत बहुत शुक्रिया आसिम भाई।